संतान प्राप्ति का उपाय। जी हाँ, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इस उपाय को आप करते हैं तो 100% आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा और आपके घर में भी खुशियां आ जाएंगी। आपने देखा होगा जब किसी के यहां बच्चे का जन्म होता है तो जो मेहमान उनके यहां पर जाते हैं वो बच्चे के लिए वस्त्र, खिलौने या उपहार वगैरह लेकर जाते हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपके किसी परिचित के यहां पर बच्चे का जन्म हो तो आपको उनके यहां पर जाना है और उनके बच्चे के लिए वस्त्र लेकर जाएं, कपड़े लेकर जाएं, खिलौने लेकर जाएं और साथ में आप एक दूध पिलाने की जो बोतल होती है वो बोतल लेकर जाएं। ये तीनों चीजें आपको उन्हें उपहार में देनी है। इसके बदले में उनसे आपको बच्चों के जो है एक पुरानी बोतल, एक वस्त्र और साथ में जो है खिलौने, ये तीनों चीजें उनसे वापस मांगकर लेकर आनी है और ये वो होना चाहिए जो उस बच्चे ने उपयोग में की हूं या किसी ने उस बच्चे को दिया हो। तो ये तीनों आपको अपने घर लेकर आना है और लेकर आने के बाद इन्हें किसी पॉलिथिन में पैक करके और अपने बिस्तर में तकिए के पास रखकर लगातार 21 दिन तक, जब भी आप सोते हैं तो आपको उन्हें लगातार 21 दिन तक अपने तकिए के पास में ही रखे रहने देना है। उसके बाद संतान की कामना से आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर गर्भाधान करें और गर्भाधान करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप गर्भाधान करें, जब भी आप मीटिंग करें संतान की प्राप्ति के लिए, तो आपको हमेशा एक बात को ध्यान रखना है कि जो फीमेल होती है उसको गर्भाधान के बाद अर्थात संभोग करने के बाद अपने हस्बैंड के राइट हैंड साइड पर सोना है और गर्भाधान करने के 2 घंटे तक बिस्तर से नहीं उठना है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। विश्वास करके इस उपाय को आप कर लीजिए, 100% आपके घर में भी संतान का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे आने वाले सभी वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि आप ही के लिए तो मैं ये सारे वीडियोस लेकर आता हूं। जय महाकाल, हर हर महादेव।